हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न। सो टुडे वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। यहाँ पर कुछ फाइबर्स के नाम आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को सेपरेट करना है। तो नेचुरल फाइबर्स जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, लाइक वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट, वेयर एज सिंथेटिक फाइबर आर दोज जो हमें केमिकल्स से मिलते हैं, लाइक नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, ट्रू, बिल्कुल फाइबर्स का यूज करके ही यार्न्स बनाया जाता है। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, फॉल्स। तो स्पिनिंग प्रोसेस है जिससे फाइबर से यार्न बनता है, सो इट इज फॉल्स। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, इट इज फॉल्स, बिकॉज कोकोनट से हमें जूट नहीं मिलता बल्कि जूट की फील्ड में खेती की जाती है और उसकी स्टेम से ही हमें जूट मिलता है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, ट्रू, क्योंकि जब कॉटन की सीड से उसके फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉम इज कॉल्ड गिनिंग। नेक्स्ट द वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, इट इज ट्रू, क्योंकि वीविंग इज अ प्रोसेस जिसमें यार्न की हेल्प से फैब्रिक बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ टू सेट्स ऑफ यार्न। एफ द सिल्क फाइबर इज ऑब्टेंड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, फॉल्स, बिकॉज सिल्क हमें सिल्क मॉथ से मिलता है एंड इट इज अ इंसेक्ट। जी पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, फॉल्स, क्योंकि पॉलिएस्टर मैनमेड फाइबर है और ये केमिकल से बनाया जाता है, सो इट इज अ सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। ए प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम डैश एंड डैश। तो प्लांट फाइबर जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा आर द कॉटन एंड जूट एंड दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम द प्लांट। बी एनिमल्स डैश एंड डैश एंड डैश, यानी कि एनिमल फाइबर्स आर सिल्क एंड वूल। तो एनिमल्स जो फाइबर्स हैं वो सिल्क और वूल हमें एनिमल्स से ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेंड। प्लांट के कौन से भाग से कॉटन और जूट प्राप्त होते हैं। सो कॉटन इज ऑब्टेंड फ्रॉम द फ्रूट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि कॉटन प्लांट के फ्रूटिंग पार्ट से ऑब्टेन होता है और जूट स्टेम से ऑब्टेन होता है। जो प्लांट की जो स्टेम होती है उसकी ही छाल को निकाल के जूट बनाया जाता है। नेक्स्ट इज नेम टू आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। दो ऐसे आइटम आपको लिखने हैं जिन जो कोकोनट फाइबर से बनते हैं। फर्स्ट वन इज द मैट्रेसेस एंड सेकेंड वन इज द रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। उस प्रोसेस का नाम लिखना है जिसमें से आप फाइबर से यार्न बना सकते हो। तो दैट इज द स्पिनिंग एंड फ्रॉम द मास ऑफ अ कॉटन, जैसे आपने एक्टिविटी में किया होगा, आपको एक कॉटन का मास लेना है, यानी कि एक लंप ऑफ कॉटन लेना है और उसमें से कुछ फाइबर्स को निकाल के अपनी उंगली और अंगूठे के बीच ट्विस्ट करते जाना है और उससे यार्न कन्वर्ट हो जाता है और इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट, होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज़ रिवाइज एंड लर्न द क्वेश्चंस एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ शेयर करें और प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।